वैशाख के महीने में प्रयास करना, एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर वैशाख के कोई भी दिन महीने के अंदर शंकर भगवान को वो चढ़ा देना। और एक और बात बहुत अच्छी तरह से, अगर मान लो आपके पास में बेल बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं, जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल खोल रह जाती है, जो केवल खोल खोल उसकी रह गई, और उस खोल के अंदर उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए, और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए, और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, या शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो वो जो बेल का जो फल होता है, उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, जैसे संत महात्मा साधु नहीं होते तुम्बा रखते हैं उसमें पानी भरते हैं, ऐसा उसमें जो पानी हो वो पानी ताम्र पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में समर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए, जो शिवजी को जल चढ़ाया गया है उसी में से थोड़ा सा जल लेकर आओ, और जो रोगीला व्यक्ति है बैसाख के महीने में उस जल को को पिला दीजिए महाराज, उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ करेगी।